हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं रोली, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीरा किचन में। आज मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट, बिल्कुल खस्तेदार मेथी की मठरी बनाना बताऊंगी। और नॉर्मल जो हम लोग मैदे की अजवाइन डालकर मेथी बनाते हैं, वो वाली भी बनाऊंगी। तो आपको और मेथी की मठरी में दो तरीके से बनाना बताऊँगी, एक ट्रायंगल शेप की, एक सर्कल शेप की। तो चलिए बताते हैं इस स्वादिष्ट, बिल्कुल मार्केट स्टाइल मठरी को मैं घर पर कैसे बनाई हूँ। तो सबसे पहले आप एक गड्डी एकदम फ्रेश मेथी ले लीजिए। उसकी मुलायम मुलायम पत्तियों को तोड़कर अच्छे से धुलकर बारीक कट करके एक चम्मच देसी घी में रोस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए थोड़ी सी हो जाती है रोस्ट होने के बाद। एक गड्डी मेथी जो मिलती है ना, मतलब जितनी मेथी हम लिए हैं, इतनी मेथी में आप लगभग 200 ग्राम मैदे का मठरी बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ एक कटोरी मैदा ली हूँ। और इसमें आप, यहाँ पर मैं एक कटोरी ली हूँ, लेकिन आप चाहें तो इतनी मेथी के लिए दो कटोरी मैदा आराम से ले सकते हैं। क्योंकि मैं एक दूसरे तरीके की भी मठरी बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है मठरी घर में, तो इसलिए मैं बस एक ही कटोरी को बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मेथी डाल दी भुनी हुई, अजवाइन, कलौंजी, नमक और 2 चम्मच देसी घी डाल दी। देखिए सबसे पहले आप ऐसे मोय लगा लीजिए, तो अच्छे से रगड़ रगड़ कर मोयन देने का परफेक्ट ये होता है कि जब आप मुट्ठी बांधें, और ये देखिए मुट्ठी एकदम ऐसी परफेक्ट बने और अपने आप से फूटे नहीं, तो ये परफेक्ट मोयन दिखाता है। तो बस आप नॉर्मल पानी से, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, डो लगा लीजिए। लगाकर आप आधा घंटे के लिए ढककर रेस्ट पर रख दीजिए। तो आधा घंटा हो गया है, मैं आपको अब मठरी बेल कर दिखाऊंगी। पहले मैं आपको ट्रायंगल शेप की मठरी बना रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, पहले आप गोल गोल बेल लीजिए, उसको थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल एकदम ज़रा सा लेकर ऊपर ऊपर से ऐसे कर दीजिए, ताकि उससे एक लेयर्स आती है, तो लेयरदार मठरी बनकर तैयार होती है। देखिए इस मठरी को बनाने से ना, ये थोड़ी साइज में बड़ी बड़ी होती है, तो आप गुजिया के साथ खा रहे हैं, 2 गुजिया 3 गुजिया ले लीजिए, 1-2 मठरी, एकदम बहुत ही परफेक्ट होता है। इससे ज़्यादा कोई नहीं खाता, और गेस्ट भी आते हैं तो भी उनके देने के लिए वैरायटी रहती है, कि आप ट्रायंगल शेप की मठरी भी दे सकते हैं, सर्कल शेप की मठरी भी दे सकते हैं। तो ये देखिए ट्रायंगल शेप की मठरी में बेल ली, मैं आपको सर्कल शेप की बेल कर दिखा रही हूँ। सर्कल शेप की कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा उसको गोला गोला करके ऐसे हल्का हल्का सा बेल लेना है। तो ये देखिए, तेल पहले से ही रख देती गर्म होने के लिए, तो पहले मैं ट्रायंगल शेप वाली मठरी छान ले रही हूँ। शुरू में तेल एकदम अच्छे से गर्म रहे, थोड़ी देर तक लो फ्लेम पर पकाइएगा। उसके बाद लो टू मीडियम रखिएगा फ्लेम को, और उलट पुलट तक, कुरकुरी होने तक पका लीजिएगा। ये मठरी ना बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो आज तक आपने सिर्फ वही मैदे वाली जो मठरी बनाते हैं, सिर्फ वही बनाते रहे हैं, तो एक बार होली के त्यौहार पे इस मेथी की मठरी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर शादियों में हलवाई 4-5 रंग की जो मिठाइयाँ बनाते हैं, तो उसमें एक डिश वो मठरी की भी ज़रूर रखते हैं, मेथी की मठरी की। अगर आपके पास फ्रेश मेथी की मठरी नहीं है ना, तो आप जो कसूरी मेथी आती है ना, उसे भी डालेंगे, सेम फ्लेवर आता है, लेकिन फ्रेश पत्ती मिले तो उसे डालिएगा, ज़्यादा हेल्दी होता है और ज़्यादा अच्छी खुशबू उसकी आती है। तो ये देखिए ट्रायंगल शेप की मठरी में छान ली हूँ, मैं आपको सर्कल शेप वाली मठरी छान कर दिखा रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा दिखाना है, तभी आप ट्रायंगल शेप की बनाइए। सिर्फ घर पे खाना ही है ना, तो आप सिर्फ यही सर्कल शेप वाली बनाइए, ये कम मेहनत में फटाफट बहुत क्रिस्पी क्रंची एकदम अंदर से पकी मेहंदी मठरी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, लेकिन फ्लेम का आप ध्यान रखिएगा, शुरू में ही लो रखिएगा थोड़ी देर तक, और उसके बाद लो टू मीडियम रखिएगा और अच्छे से पकाइएगा, ताकि क्योंकि साइज थोड़ी सी मोटी है, मठरी अच्छे से अंदर से पक जाए। तो ये मठरी जो आप साइज देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से अंदर तक बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बनी थी, और टेस्ट तो बिल्कुल अमेजिंग था। तो ये देखिए, आपको मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ। तो आप इस कुरकुरी क्रिस्पी मठरी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस होली पे। तो
अब मैं आपको नॉर्मल जो हमेशा से हम लोग घर पर बनाते ही हैं, जिसके लिए आपको हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप हमेशा पहले से ही बनाते रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी मटर बिल्कुल खस्तेदार बनकर तैयार हुई होगी। तो यहाँ पर एक कटोरी मैदा में अजवाइन, नमक और आप ये देख रहे हैं विदाउट मेल्टेड 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। देखिए मोयन वही परफेक्ट तरीका है कि आप मुट्ठी बांधे और मुट्ठी खुले ना, तो ये देखिए मुट्ठी मेरी खुल नहीं रही है, यानी ये परफेक्ट मोयन है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, एक डो लगा लीजिए, आधा घंटे के लिए इसको भी रेस्ट रख दीजिए। तो आधा घंटा मैं रेस्ट पर रख दे रही हूँ, तो ये देखिए आधा घंटा लगभग हो गया है। आधा घंटा बाद मैं आपको इसे बेल कर दिखा रही हूँ। पहले आप इसकी ऐसे लोइयाँ काट लीजिए। आप बेलते समय या तो मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर तेल का। मैदे का इस्तेमाल करने से क्या होता है ना कि जब हम तेल में मटरी को डालते हैं तो पूरा वाइट वाइट हो जाता है, तो इसलिए मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं बहुत पतली मटरी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हमारी मटरी में मोयन इतना परफेक्ट है कि वो खस्तेदार बनेगी ही। अगर आप चाहते हैं बहुत पतली पतली मटरी तो एकदम छोटी छोटी लोई लीजिएगा, पतला पतला बेलिएगा। और आप चाहते हैं कि आपकी मटरी बिल्कुल एकदम सोचते ना कि फूली फूली एकदम गुप्पेदार बने, तो आप सोडा डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सोडा नहीं डालना चाहते हैं और थोड़ी सी मोटी मटरी चाहते हैं तो जैसे मैं बना रही हूँ ऐसा बनाइए, अंदर से बिल्कुल खस्तेदार रहती है, बिल्कुल क्रिस्पी, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहती है। तो इसको भी शुरू में लो फ्लेम पर छानिएगा, बाद में लो टू मीडियम फ्लेम पर छानिएगा। तो ये देखिए एक बैच मेरा बनकर तैयार हो गया है। सेम तरीके से दूसरा बैच भी बना लूँगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक।